क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन 20वीं शताब्दी में आने के साथ ही मैच फिक्सिंग की कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने इस जेंटलमैन गेम पर काला धब्बा लगा दिया। फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद बहुत से खिलाड़ियों की क्रिकेट में वापसी नहीं हो पाती थी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं क्रिकेट इतिहास के 3 ऐसे फिक्सिंग की घटनाएं जिसने फैंस के होश उड़ा दिए। पहला, वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल, जिसने इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों देशों के क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया था। साल 2000 में भारतीय पुलिस ने खुलासा किया कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए बायलैटरल सीरीज के एक मैच की फिक्सिंग में 5 खिलाड़ी शामिल थे। इन सब में सबसे हिला देने वाली बात यह थी कि दोनों ही टीम के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन और हेंसी क्रॉनिए का नाम भी इसमें शामिल था। हालांकि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने खुद को इन आरोपों से मुक्त कराने के लिए 11 साल तक न्यायिक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट भी दे दी। दूसरा, हेंसी क्रॉनिए स्कैंडल के बाद सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल 2010 में पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे पर हुआ। पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और बल्लेबाज सलमान बट का नाम फिक्सिंग में आया। एक स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि माजिद ने भविष्यवाणी की थी कि आसिफ और आमिर कब नो बॉल करेंगे। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में खुलासा हुआ कि माजिद ने भविष्यवाणी की थी कि आमिर के तीसरे ओवर की पहली गेंद नो बॉल होगी और हुआ भी वही। माजिद ने यह भी कहा था कि 10वें ओवर में मोहम्मद आसिफ की 6ठी गेंद नो बॉल होगी और ये बात भी सच साबित हुई। वहीं एक पूरे ओवर के बारे में माजिद ने सही सही बताया, जिसने सलमान बट के इसमें शामिल होने का खुलासा भी किया। जांच के बाद 5 फरवरी 2011 को ICC ने तीनों प्लेयर्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। बट पर 10 साल, आसिफ पर 7 साल और आमिर पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। बैन के बाद 2015 में आमिर ने सक्सेसफुली इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। तीसरा, 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा हुआ। राजस्थान रॉयल्स टीम के 3 खिलाड़ियों का नाम इसमें सामने आया, जिसमें तेज गेंदबाज श्रीशंत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला थे। अपने तीनों खिलाड़ियों के अरेस्ट होने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने जांच पूरी होने तक इनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि श्रीशंत और चौहान ने स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने की बात कबूली है। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि चंदीला ने बुकीज के कहने पर और भी कई खिलाड़ियों को फिक्सिंग में शामिल करने की कोशिश की थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।